दोस्तों, जो भी हमारे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने हमारे ब्रह्मांड को बनाया है, उसने हमारी इस दुनिया को आयामों यानी डायमेंशंस में रचा है। डायमेंशंस हमारे ब्रह्मांड का वो आधार हैं जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। आज वैज्ञानिक इन डायमेंशंस के रहस्य को समझने में लगे हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर साइंटिस्ट मानते हैं कि इस जहां में 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। चाहे हम बात करें टाइम ट्रेवल की या फिर पैरेलल यूनिवर्स की, ये सभी घटनाएं इन्हीं 11 डायमेंशंस में घटित होती हैं। लेकिन जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो इन 11 डायमेंशंस में से कौन से डायमेंशन में वास करते हैं? आखिर क्या है आयामों का झोल और क्यों वैज्ञानिक आयामों को समझने में लगे हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 11 डायमेंशंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इन 11 डायमेंशंस में रहने वाले लोग आखिर कैसे होंगे और भगवान आखिर इनमें से कौन से डायमेंशन में वास करते होंगे। शुरुआत होती है वन डायमेंशन से। वन डायमेंशन एक सरल रेखा होती है। वन डायमेंशन में रहने वाला जीव सिर्फ आगे या पीछे ही जा सकता है। जैसे कि आपने सर्कस के खेल में देखा होगा कि एक व्यक्ति रस्सी पर अपना बैलेंस बनाते हुए कुछ इस तरह से चलता है। अब आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति इस रस्सी पर सिर्फ या तो आगे जा सकता है या फिर पीछे ही जा सकता है। वो व्यक्ति इस रस्सी पर लेफ्ट या राइट नहीं जा सकता। कुछ इसी तरीके से आप वन डायमेंशन को समझ सकते हैं। हालांकि मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो तो थ्री डायमेंशनल दुनिया का है, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि वन डायमेंशनल जीव केवल आगे या पीछे ही गति कर सकते हैं। अगर बात करें टू डायमेंशन की, तो दूसरी डायमेंशन एक प्लेन सरफेस होता है जिसमें रहने वाला जीव आगे या पीछे चलने के साथ साथ लेफ्ट या राइट में भी जा सकता है। अगर आपने स्नेक वाला गेम खेला हो, बिल्कुल वैसे ही हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर जो वीडियो देखते हैं वो भी टू डायमेंशनल सरफेस पर देखते हैं, और हमें टू डायमेंशनल सरफेस पर वीडियो को देखते हुए ऐसा एहसास होता है कि हम 3D वर्ल्ड को देख रहे हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि पहली और दूसरी डायमेंशन में कोई जीव रहते भी होंगे। हालांकि ये ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव हो ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें तीसरी डायमेंशन की, तो तीसरी डायमेंशन वो दुनिया होती है जिसमें हम आगे पीछे दाएं बाएं जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकें। और हम जिस दुनिया में रहते हैं वो थ्री डायमेंशनल दुनिया है, और इन तीनों आयामों में आने जाने के लिए हम बिल्कुल आजाद हैं। दोस्तों, हमारी ये दुनिया तीन आयामों से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए हम अपनी दुनिया को त्रिआयामी यानी कि थ्री डायमेंशनल दुनिया कहते हैं, और हम केवल इन्हीं तीन आयामों को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीन डायमेंशंस के बाद जितने भी डायमेंशंस मौजूद हैं, उन सभी को हायर डायमेंशंस कहा जाता है, और हायर डायमेंशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हायर डायमेंशंस में क्या चल रहा है हम ये तक नहीं देख सकते। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम सफर करने वाले हैं हायर डायमेंशंस में। मैं आपको बता दूं कि अब यहां से जितनी भी बातें होंगी वो सिर्फ साइंस फिक्शनल होंगी और उनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हायर डायमेंशंस के बारे में हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। हायर डायमेंशंस की कल्पना हम केवल वैज्ञानिकों द्वारा की गई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर ही करेंगे। दरअसल चौथे आयाम का जिक्र सबसे पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया, और तब से लेकर अब तक वैज्ञानिक हायर डायमेंशंस की खोज में जुट गए। वैज्ञानिकों के अनुसार चौथा आयाम खुद समय है। हम केवल थ्री डायमेंशनल दुनिया में रहकर इस चौथे आयाम का सफर करते हैं। हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, और फिर बाद में मर जाते हैं। समय की ये रेखा हमें हर पल भविष्य की ओर ले जा रही है। अगर आपने फर्स्ट डायमेंशन में देखा हो, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट डायमेंशन का जीव सिर्फ आगे या पीछे ही जा सकता है। उसी तरह फोर्थ डायमेंशन एक चौथा आयाम है, और इस आयाम में हम इंसान रूपी जीव सिर्फ भविष्य की ओर ही सफर कर सकते हैं, एक तरफा सफर। इस चौथे आयाम में हम समय में पीछे सफर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ अपने तीन डायमेंशंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं, हायर डायमेंशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और समय भी एक हायर डायमेंशन है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल समय की धारा में सिर्फ भविष्य की ओर ही बह सकते हैं। जब हम समय में आगे पीछे ही नहीं देख सकते, तो टाइम ट्रेवल करना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से हम अपने तीनों आयामों को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसी तरह चौथे आयाम समय का अस्तित्व है, तो इसको कंट्रोल करने वाली भी कोई सभ्यता जरूरी होगी, और वो सभ्यता समय को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल कर रही होगी। उनके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो कुछ ऐसे होगा मानो जैसे हम मार्केट जाते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं।
लेकिन समय को कंट्रोल कर सके उस सभ्यता के लोग आखिर कौन सी डायमेंशन में रहते होंगे। वैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि चौथे आयाम की सभ्यता समय को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ये सभ्यता समय में आगे या पीछे जरूर देख सकती है। इस सभ्यता के लोगों को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी वो लोग होते हैं जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो सभ्यता चौथे आयाम में रहती होगी वही सभ्यता समय में आगे या पीछे देख सकती होगी, लेकिन समय को कंट्रोल कर पाना चौथे आयाम की सभ्यता के बस में भी नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि चौथे आयाम की सभ्यता भविष्य को देख तो सकती है लेकिन उसको बदल नहीं सकती, और इस डायमेंशन के लोग अपने अतीत को भी जितना हो सके उतना ज्यादा पीछे जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि इस आयाम के लोग समय की शुरुआत को भी देख सकते हैं लेकिन वो पास्ट को कभी नहीं बदल सकते। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि जिस सभ्यता के पास अतीत और भविष्य में देखने की ताकत हो वो शक्ति उसको किस काबिल बना सकती है। दोस्तों यहाँ तक तो डायमेंशंस को समझना बड़ा ही आसान था, लेकिन यहाँ से आगे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। इसीलिए यहाँ से आगे की डायमेंशंस को समझने के लिए अपने दिमाग को खुला रखें। पांचवी डायमेंशन में पैरेलल यूनिवर्स के रास्ते खुलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि समानांतर ब्रह्मांड क्या होते हैं तो आपको शॉर्ट में बता दें कि हमारे इस ब्रह्मांड की ही तरह ऐसे ही असंख्य और ब्रह्मांड मौजूद हैं, और उन ब्रह्मांडों में भी हम सबकी कॉपी मौजूद होंगी और वहां पर भी हमारी ही तरह दुनिया चल रही होगी, लेकिन हर एक ब्रह्मांड की टाइमलाइन पर हमारा काम अलग अलग होगा। जैसे कि हो सकता है कि एक ब्रह्मांड में आप एक म्यूजिशियन हो, दूसरे ब्रह्मांड में आप एक क्रिकेटर हो, तो एक ब्रह्मांड में आप एक लॉयर हो। तो हम बात कर रहे थे फिफ्थ डायमेंशन की। वैज्ञानिक मानते हैं कि पांचवें आयाम के लोग समानांतर ब्रह्मांडों में अपने प्रतिरूपों को देख सकते हैं। मतलब अगर हम पांचवें डायमेंशन में रह रहे होते तो हम ये देख पाते कि दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद हमारा प्रतिरूप क्या कर रहा है। हालांकि पांचवी डायमेंशन के लोगों के पास सिर्फ दूसरे समानांतर ब्रह्मांडों में झांकने की शक्ति होती, लेकिन वो दूसरे ब्रह्मांडों में मौजूद लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम मिरर में अपने प्रतिरूप को देखते हैं लेकिन हम उसके साथ बात नहीं कर सकते, केवल हम मिरर में झांक कर अपने प्रतिरूप को देख सकते हैं। उसी तरह फिफ्थ डायमेंशन के लोग दूसरे ब्रह्मांडों में झांक कर देख सकते हैं, ना कि वहां पर कुछ बदल सकते हैं, लेकिन समानांतर ब्रह्मांडों में झांकने की इस शक्ति को भी कम नहीं आंका जा सकता। इससे आगे छठवीं डायमेंशन के लोग समय में आगे पीछे भी जा सकते हैं। मतलब सिक्स्थ डायमेंशन के लोगों के पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति होती है। इस आयाम के लोग सिर्फ टाइम ट्रेवल ही नहीं कर सकते बल्कि समय की रेखा पर आगे या पीछे जाकर चीजों को बदल भी सकते हैं। इस डायमेंशन के लोग अपने भूत, भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि वे लोग जो समय को भी अपनी मुट्ठी में रखते हैं आखिर वो कितने शक्तिशाली होंगे। सच में छठवीं डायमेंशन के लोग हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। अब जरा सोच कर देखिए कि छठवीं डायमेंशन के लोग समय को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे हायर डायमेंशन के लोगों के पास आखिरकार कैसी शक्तियां होंगी। सातवें डायमेंशन के लोग पहले की छह लोअर डायमेंशंस को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ सातवें आयाम के लोगों के पास सभी समानांतर ब्रह्मांडों में आने जाने की भी शक्ति होती है। सातवें आयाम के लोग सभी समानांतर ब्रह्मांडों में खुलेआम कभी भी आ जा सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि किसी दूसरे ब्रह्मांड से हमारा प्रतिरूप आकर हमसे मिले तो हमारे लिए वो कितना शक्तिशाली होगा। वैसे हम तो उसको भूत ही समझेंगे क्योंकि हमारे लिए ये सब एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी, लेकिन सातवें आयाम के लोगों के पास दूसरे ब्रह्मांडों में जाकर वहां पर छेड़छाड़ करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन आठवें आयाम के लोगों के पास ये शक्ति भी आ जाती है। आठवें आयाम के लोग समानांतर ब्रह्मांडों में जाकर वहां पर चीजों को अपने मन मुताबिक बदल भी सकते हैं, लेकिन इस आयाम के लोग केवल उन्हीं ब्रह्मांडों में जाकर चीजों को बदल सकते हैं जिन ब्रह्मांडों की टाइमलाइन हमारे ब्रह्मांड से मेल खाती हो। मतलब जिन ब्रह्मांडों का जन्म हमारे ब्रह्मांड के साथ ही हुआ होगा उन्हीं ब्रह्मांडों में जाकर आठवें आयाम के लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से पहले जन्मे होंगे या बाद में जन्मे होंगे उन ब्रह्मांडों में जाकर आठवें आयाम के लोग कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन नाइन्थ डायमेंशन के लोगों के ये रास्ते भी खुल जाते हैं। नाइन्थ डायमेंशन के लोग किसी भी टाइमलाइन के समानांतर ब्रह्मांडों में जाकर चीजों को बदल सकते हैं। अब फिर चाहे भले ही दूसरे समानांतर ब्रह्मांडों का जन्म उनके ब्रह्मांड के जन्म से पहले या बाद में हुआ हो, लेकिन
इस आयाम के लोगों की भी एक लिमिटेशन है। भले ही इस आयाम के लोग दूसरे ब्रह्मांडों में जाकर छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव उनके खुद के ब्रह्मांड की टाइमलाइन पर भी पड़ेगा। अब ऐसे में दूसरे ब्रह्मांडों में जाकर चीजों को बदलने पर खुद के ब्रह्मांड की ही टाइमलाइन बदल जाए तो ऐसी शक्ति का क्या फायदा। लेकिन 10th डायमेंशन के लोगों के पास ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती। 10th डायमेंशन के लोग किसी भी ब्रह्मांड में कभी भी जाकर कुछ भी बदल सकते हैं, उससे उनके खुद की ब्रह्मांड की टाइमलाइन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 10th डायमेंशन के लोग सभी समय रेखाओं से परे होते हैं। वो अपनी मर्जी के मन मुताबिक चीजों का सृजन व विनाश कर सकते हैं। इस डायमेंशन के लोग किसी भी ब्रह्मांड का अतीत व भविष्य बदल सकते हैं। इनके लिए समय के कोई भी मायने नहीं होते, या यूं कह सकते हैं कि इस डायमेंशन के लोग अमर होते हैं। वैसे तो इन 10 डायमेंशन तक ही वैज्ञानिक एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि 10th डायमेंशन के बाद भी 11th डायमेंशन मौजूद है, लेकिन 11th डायमेंशन की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। 11th डायमेंशन के लोगों को द क्रिएटर का खिताब दिया जा सकता है, एक ऐसा क्रिएटर जिसने इस जहां को बनाया, जिसका न आदि है न अंत है, जो निराकार है। हम चाहें तो उसको पर ब्रह्म परमेश्वर यानी कि भगवान बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सुपर पावर दी जाए तो आप इनमें से कौन सी डायमेंशन की सुपर पावर को लेना पसंद करोगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाए।